6 अगस्त 1945 आज से तकरीबन 79 साल पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का B-29 नाम का एक विमान जापान के हिरोशिमा शहर पर तकरीबन 10,000 पाउंड जितना भारी यूरेनियम बॉम्ब गिराता है, जिसे नाम दिया जाता है लिटिल बॉय। और इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक दूसरे शहर नागासाकी पर एक प्लूटोनियम बॉम्ब गिराया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है फैट मैन। इन दोनों ही बॉम्ब्स की वजह से काफी ज्यादा भयंकर तबाही होती है, जिसमें ना सिर्फ दोनों ही शहर बुरी तरह से तबाह हो जाते हैं बल्कि इसमें 1.5 लाख के करीब लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा वॉर से हुए खराब इकोनॉमिक कंडीशंस और फूड शॉर्टेज की वजह से जापान के दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों की हालत भुखमरी जितनी खराब तक हो जाती है। लेकिन इतनी तबाही और बर्बादी के बावजूद भी आज न सिर्फ जापान दुनिया की top 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक है, बल्कि जापान दुनिया के सबसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस देशों में भी जोड़ा जाता है। तो आखिरकार ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ 23 सालों के अंदर कि बर्बादी की कगार पर खड़े जापान ने फ्रांस, रशिया और यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसे सक्सेसफुल देशों को पीछे छोड़ दिया? और इतनी कम पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेस के बावजूद भी ऐसा मुमकिन कैसे हो पाया? इसके साथ साथ ऐसा क्या किया जापान ने जो इंडिया को भी जापान से सीखना चाहिए? जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बिंग के बाद वर्ल्ड वॉर टू में जापान की हार होती है और 2 सितंबर 1945 को जापान सरेंडर कर देता है। इस वॉर और बॉम्बिंग की वजह से जापान की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी, जिसमें लाखों से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और बचे कुचे लोगों की रेडिएशन की वजह से हालत खराब थी और हर तरफ इतनी तबाही थी कि किसी को ये तक उम्मीद नहीं थी कि शायद ही जापान कभी इस बर्बादी से उभर भी पाएगा। और जापान के सरेंडर करने के बाद वर्ल्ड वॉर टू की विजेता कंट्रीज के अलायंस ने जापान पर ऑक्यूपेशन कर लिया था, जिसकी वजह से जापान से कोरिया और ताइवान जैसी टेरिटरीज पर कंट्रोल छिन जाता है और अलाइड फोर्सेस जापान की मिलिट्री पर भी सैंक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से अब जापान को आर्मी या मिलिट्री रखने की भी इजाजत नहीं थी। हालांकि जापान पर लगाए गए ये मिलिट्री सैंक्शन देखने में काफी क्रूर लगते हैं, लेकिन आगे चलकर मिलिट्री और डिफेंस पर लगाए गए ये सैंक्शन ही जापान की इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो अगर आप ध्यान से देखें कि अगर गवर्नमेंट 10 लाख रुपए हर साल खर्च करती है एक सोल्जर पर उन्हें ट्रेन करने के लिए, सैलरी और उनके दूसरे खर्चों के लिए, लेकिन वहीं अगर गवर्नमेंट उसी 10 लाख को इंजीनियर्स या दूसरे स्किल्ड जॉब पर इन्वेस्ट करे, तो न सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही ये स्किल्ड और ट्रेन्ड इंडिविजुअल न सिर्फ खुद के लिए इनकम जनरेट करेगा जो देश की ग्रोथ के लिए काफी बेहतर है, बल्कि वो इंडिविजुअल गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करेगा जो कि फाइनली हेल्प करेगा एक कंट्री की इनकम जनरेट करने के लिए। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि सोल्जर पर खर्च करना यूजलेस होता है, बल्कि सोल्जर्स और मिलिट्री पर स्पेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी देश की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन इस जगह पर मैं सिर्फ जापान के केस की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि जापान के ऊपर मिलिट्री सैंक्शंस लगे थे, इसलिए जापान ने अपनी GDP का हिस्सा डिफेंस में स्पेंड करने की बजाय कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्ट किया, जो कि आगे चलकर जापान की इकोनॉमी के लिए काफी बेहतरीन डिसीजन साबित हुआ। इसके साथ साथ अमेरिका का भी काफी बड़ा योगदान रहा जापान को दोबारा से खड़ा करने के लिए। जी हाँ, वही अमेरिका जिसने जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराकर उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया था। हालांकि शुरुआती दौर में ये अलाइड फोर्सेस का जापान की इकोनॉमी को दोबारा खड़ा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हाँ, ये अलाइड फोर्सेस ही जापान की डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम को जरूर बदल देती है। इसके साथ साथ अमेरिका जापान में चल रहे ज़ाइबात्सु सिस्टम डिसॉल्व कर देते हैं। ज़ाइबात्सु सिस्टम जापान का एक ऐसा सिस्टम था जिसमें बड़े बड़े मार्केट लीडर या ग्रुप ही पूरी तरह से जापान की इकोनॉमी पर कंट्रोल किए बैठे थे, और तो और ज़ाइबात्सु सिस्टम के ग्रुप्स और कार्टल्स जापान की पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करते थे। इसीलिए ज़ाइबात्सु सिस्टम के डिसॉल्व होने के बाद इन बड़े प्लेयर्स की मोनोपोली जापान की इकोनॉमी से खत्म हो जाती है। इसके अलावा 1945 से 1952 के बीच ही यूनाइटेड स्टेट्स $2.2 बिलियन का ग्रांट और $1.9 बिलियन का लोन प्रोवाइड करता है जापान की इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए। वेल, ऐसा नहीं था कि अमेरिका जापान को सिर्फ यूं ही सपोर्ट कर रहा था, बल्कि इसके पीछे अमेरिका का अपना फायदा था। जी हाँ, असल में उस टाइम पर रशिया और चाइना जैसे देशों में कम्युनिज्म बड़ी तेजी से बढ़ रहा था,
और तो और रशिया यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच उस टाइम पर कोल्ड वॉर भी छिड़ी थी। इसीलिए साउथ ईस्ट एशिया में अपनी धाक जमाने के लिए अमेरिका के लिए जापान ही सबसे बेहतरीन जगह थी। इसीलिए अमेरिका जापान की इकोनॉमी को रिवाइव करने में काफी मदद करता है, पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसे की मदद और पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ चेंजेस करने से जापान इतना आगे बढ़ गया था, बल्कि जापान की तरक्की के पीछे ज्यादातर शेयर जाता है जापानीज लोगों और उनके ब्रिलियंट आइडियाज को। इसी में से एक ब्रिलियंट आइडिया था जापान का एक किरेट्सु मॉडल। ये मॉडल ही एक ऐसा सिस्टम था जिसने मदद करी जापान के सबसे बड़ी कंपनीज जैसे कि टोयोटा, निप्पॉन स्टील और मित्सुबिशी को इतना आगे बढ़ने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या था इस किरेट्सु मॉडल में। वेल, उस टाइम पर पूरी दुनिया की ज्यादातर बड़ी कंपनीज एक सेपरेट एंटिटी की तरह ही एक्ट करती थी, जहां पर एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ रिलेशनशिप सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ही होता था। जहां पर मानिए कि एक ए कंपनी दूसरी बी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, इसमें बी कंपनी ए कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी, लेकिन बाय चांस बी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो ए कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो फौरन ही ए कंपनी बी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके तीसरी सी कंपनी से रॉ मटेरियल लेने लगेगी। पर किरेट्सु मॉडल में ऐसा नहीं था। इस मॉडल में मानिए कि ए कंपनी बी कंपनी के 10% शेयर ओन करती होगी, वहीं बी कंपनी ए कंपनी का 1% शेयर ओन करती होगी। इसी के साथ साथ एक सपोर्टिंग बैंक दोनों ही ए और बी कंपनी के शेयर ओन करेगा, और बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से बी कंपनी ए को रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पा, तो उस केस में ए कंपनी तीसरी कंपनी के पास जाने की बजाय दोनों सपोर्टिंग बैंक और ए कंपनी बी कंपनी की हेल्प करेगी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसी वजह से किरेट्सु मॉडल न सिर्फ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करता है कंपनीज के बीच, बल्कि क्योंकि सभी कंपनीज एक दूसरे के शेयर भी ओन करती है, इसी वजह से फ्रॉड और धोखाधड़ी के चांस भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ 1950s के पीरियड में छिड़ी कोरियन वॉर भी एक अहम भूमिका निभाती है जापानीज इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि उस टाइम पर जो यूएन फोर्सेस कोरिया में फाइट कर रही थी, जापान उनको सप्लाई और दूसरे मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जापान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी ग्रोथ देखने को मिलती है। और तो और कोरियन वॉर के बाद जापानीज प्रोडक्ट की क्वालिटी और रिलायबिलिटी की वजह से ही फॉरेन मार्केट में उनकी डिमांड काफी हद तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जापान के एक्सपोर्ट्स में भी काफी इजाफा होता है। इसी वजह से 1950s का एंड आते आते जापान की इन्हीं इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की वजह से जापान ईस्ट एशिया का पहला डेवलप्ड नेशन बन जाता है। इसके अलावा जापान के प्राइम मिनिस्टर इकेडा की लीडरशिप में जापान की गवर्नमेंट इनकम डबलिंग प्लान इंट्रोड्यूस करती है। इस प्लान के तहत 10 सालों के अंदर जापान की इकोनॉमी को डबल करे जाने का प्लान किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट टैक्स ब्रेक्स, टारगेटेड इन्वेस्टमेंट और तो और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स भी देती है। लेकिन इस पूरे पीरियड में जापान की इकोनॉमी असल में 10% ग्रोथ रेट से बढ़ती है, जिसकी वजह से 7 सालों के अंदर ही जापान की इकोनॉमी डबल हो जाती है। लेकिन अगर आज के टाइम पर देखें तो जापान $4.2 trillion के साथ पूरी दुनिया में 3rd largest इकोनॉमी है, जिसने जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे बड़े प्लेयर्स तक को पीछे छोड़ दिया है। इसी वजह से इंडिया को भी जापान से ये सीखना चाहिए कि जिस तरह जापान ने अपने वर्किंग फोर्स पर और उनकी स्किल डेवलपमेंट पर काफी इन्वेस्ट किया है, तभी जाकर ही जापान आज दुनिया के सबसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस देश में से एक है। उसी तरह इंडिया को भी चाहिए कि वो अपनी वर्किंग फोर्स पर और उनकी स्किल डेवलपमेंट पर काम करे। इस टाइम पर इंडिया में लाखों की तादाद में लोग ग्रेजुएटेड है, लेकिन शायद किसी में भी जॉब के अकॉर्डिंग स्किल नहीं है। इसी वजह से अगर इंडिया भी जापान जैसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डेवलपमेंट चाहता है तो उसे भी इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट पर काम करना होगा। तो आपको क्या लगता है जापान के यहाँ से यहाँ तक के सफर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले।